ये देखिए, आज मैं आपको ये डिजाइन बताने जा रही हूँ। ये डिजाइन दिखने में बहुत सुंदर है और इजी भी बहुत है। देखिए, पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। ये डिजाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ दो कलर चाहिए। आप चाहे तो और भी कलर लगा सकती हैं, लेकिन हम दो ही कलर में बना रहे हैं। ये जो हमारे दो फंदे हैं, इसको हम उतारेंगे। उसके बाद इस वाले फंदे को हम इस पहले कलर से हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे जो तीन फंदे रहेंगे सीधे रहेंगे, फिर दो फंदे हम उतारेंगे, फिर ये तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदे हम उतारेंगे, फिर ये तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर ये दो फंदे हम उतारेंगे और ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब देखिए, ये हमारा पीछे का पार्ट है। पीछे के पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो दो फंदे हमारे थे इसको ऐसे ही उतारेंगे। अब इस ऊन को हम पीछे करेंगे और इसको हम सीधी सिलाई बुनेंगे। ये जो हमने बीना था इसको हम सीधी सिलाई बुनेंगे और फिर ऊन को हम आगे करेंगे और ये दो फंदे हम उतारेंगे, फिर ऊन को हम पीछे करेंगे और तीन सिलाई हम बीनेंगे, सीधी सिलाई ही बीनेंगे हम। अब फिर ऊन को हम आगे करेंगे, ये दो उतारेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, ये तीन फंदे हम बीनेंगे सीधी सिलाई। ऐसे ही करके हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हमारा ये आ गया आगे का। आगे भी अब हमें ये ऐसे ही बीनेंगे जैसे बीने थे पहली बार। इन दोनों फंदे को उतारेंगे और इसे बीनेंगे, सीधी सिलाई बीनेंगे। जो बीने थे हम, जो उतारे थे उसको उतारेंगे। इसमें धागे को एक ही जगह पे रखना है, ना कि आगे पीछे करना है, ठीक है। देखिए, हम इसको बीनते हुए जा रहे हैं सीधी सीधी सिलाई। और जो ये उस क्रीमी कलर का ऊन है हमारा, इसको हम ऐसे ही उतार रहे हैं। और ये हरा कलर वाला ऊन हम बीनते हुए जा रहे हैं सीधी सिलाई। अब हम जैसे पिछली सिलाई में किए थे वैसे ही इस सिलाई में भी वैसे ही करेंगे। ये पीछे का पार्ट है हमारा, तो इसे भी हम इन दोनों फंदे को बिना बीने उतारेंगे। अब इस धागे को पीछे करेंगे, इसको सीधी सिलाई बीनेंगे।
अब धागे को आगे करेंगे और इस दोनों को उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब सब हम सीधी सिलाई बीनते हुए जाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे, इन दोनों को बीनेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, इन दोनों को बीनेंगे। अब ऐसे ही हमें करते हुए जाना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये सब फंदे में ये दूसरी कलर से सीधी सीधी बीनते हुए जाना है। जो हम फंदे छोड़े थे उसको भी बीनेंगे, जो हम नहीं छोड़े थे उसको भी बीनेंगे। देखिए हम सब सल ये जो सब फंदे हैं, इन सब फंदे को हम सीधी सिलाई बीन रहे हैं। इन सभी को हम सीधी सिलाई ही बीनते हुए जाएंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे देखिए, पीछे सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बीनते हुए जाना है। सभी फंदे हमें उल्टे बीनना है। अब हम यहाँ से बीनना स्टार्ट करेंगे, तो इस फंदे को हम सीधी सिलाई बीनेंगे इस पहले कलर से। ये हो गया दो और ये हो गया तीन। हम तीन फंदा इसे सीधा सिलाई बीनेंगे, उसके बाद दो फंदे उतारेंगे, फिर सीधी सिलाई तीन फंदे बीनेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर बीनेंगे। ऐसे ही हमें ये रिपीट करते हुए पूरी सिलाई जाना है। अब हमें पीछे भी वही करना है जो हम किए थे पहली बार। इस फंदे को हम सीधी सिलाई बीनेंगे,
अब हम उनको आगे करेंगे, इसको उतारेंगे, उनको पीछे करेंगे, इसको हम सीधी सिलाई बीनेंगे, उनको आगे करेंगे, इसको उतारेंगे, उनको पीछे करके इसको बीनेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी सिलाई रिपीट करते हुए जाना है। अब इसे हम एक बार और ऐसे ही बीनेंगे जैसे बीने थे। इसको सीधी सिलाई बीनना है। इन दोनों फंदे को उतारेंगे, इसको सीधी सिलाई बीनेंगे, इन दोनों फंदे को उतारेंगे, इसको सीधी सिलाई बीनेंगे, ऐसे ही हमें ये रिपीट करते हुए जाना है पूरी सिलाई। अब पीछे भी वही हम काम करेंगे। इसको हम सीधी सिलाई बीनेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको हम बीनेंगे, ऊन हम फिर से आगे करेंगे, इसको उतारेंगे, ऊन पीछे करके इसको बीनेंगे। एक्चुअली दोस्तों सॉरी, कहीं कहीं हम धागा इसको बोल दे रहे हैं, इसीलिए सॉरी। हमें ऐसे ही पूरी सिलाई इसको रिपीट करते हुए जाना है। अब हम इसको जो है ये पूरी सिलाई हम क्या करेंगे, सीधी सीधी ये दूसरी कलर से हम बीनते हुए चले जाएंगे। पूरी जो फंदे, मेरे पूरे फंदे हैं, इसको हम इसी कलर से बीनते हुए जाएंगे सीधी सिलाई। जो हमने फंदा छोड़ा है उसको भी, जो नहीं छोड़े हैं उसको भी, सेम वही वही पैटर्न करना। इसमें कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हैं। ये अगर स्वेटर बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है इसका स्वेटर। हम तो इसी का एक कार्डिगन स्वेटर बनाए हैं जो कि हम पहनते भी हैं रोज। इसका कार्डिगन बहुत सुंदर लगेगा।
पीछे वाली सिलाई हमें पूरी उल्टी बीनना है। देखिए पीछे वाली है तो पीछे वाली पूरी उल्टी बीनते हुए जाना है। जैसे आप ये फर्स्ट वाला बीने थे यहाँ से, वैसे ही इसको ऊपर भी आप बढ़ाते हुए जाइए। आप चाहे आप कार्डिगन बनाइए या फिर जेंट्स स्वेटर बनाइए, ये सब में आप डाल सकते हैं। चाहे बेबी स्वेटर हो, चाहे जेंट्स स्वेटर हो, चाहे लेडीज स्वेटर हो, चाहे कार्डिगन हो, ये सब में बहुत क्यूट लगेगा। ये जब पूरा बन जाएगा तब देखिएगा कितना क्यूट लगता है। देखिए ये वैसे ही इतना क्यूट लगता है देखने में ही।